दोस्तों नमस्कार। आज प्रस्तुत है एक नई प्रेरणादायक कथा, व्यर्थ का शौक। सूरजगढ़ का राजा रत्नों का पारखी था। वह देश के कोने कोने से हीरे जवाहरात इकट्ठे कर अपने महल में सजाता था। दूर दूर से लोग उसके महल में हीरों का संग्रह देखने आते थे। एक बार घूमते घूमते एक साधु राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने साधु के सत्कार में कोई कमी नहीं की। साधु राजा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर बोला, राजन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज मुझे ऐसा अनमोल मोती चाहिए जो विश्व में किसी के पास ना हो, ऐसा बेशकीमती मोती जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हो, राजा ने साधु से आतुर होकर मांग की। ऐसे मोती का तुम करोगे क्या, साधु ने पूछा। मैं हीरे मोती संग्रह करने का शौक रखता हूँ। मैं अपने संग्रह में एक ऐसा अनमोल मोती रखना चाहता हूँ जो कि दुनिया में किसी के पास ना हो। राजन तुम्हारे इस शौक से तो प्रजा का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तुम प्रदेश के राजा हो, तुम्हारी प्राथमिकता प्रजा की सेवा करना होनी चाहिए, ना कि तुच्छ हीरे मोती इकट्ठे करना, साधु ने राजा को समझाया। राजा को साधु का उपदेश अच्छा नहीं लगा। वह नाराज होकर बोला, गुरुवर अगर आप मोती नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उपदेश तो ना दीजिए। राजा की बातें सुनकर साधु ने हवा में हाथ घुमाया। जब साधु ने मुट्ठी खोली तो उसमें एक चमकता मोती बाहर निकला। फिर बोले, ये लो राजन तुम यह बेशकीमती मोती रख सकते हो। याद रखना, व्यर्थ का शौक तुम्हें परेशानी में भी डाल सकता है। इतना कहकर साधु चला गया। मोती पाकर राजा बहुत खुश हुआ। मोती की हिफाजत के लिए उसने एक लोहे का मजबूत कक्ष बनवाया। वहां पर 20-20 चौकीदारों को मोती की सुरक्षा के लिए रखा। मोती वाली बात दूर दूर तक फैल गई। बेशकीमती मोती के चक्कर में दूसरे देशों के चोर उचक के सक्रिय हो उठे। सूरजगढ़ में चोरों का बोलबाला हो गया। चोरों को हीरा नहीं मिला तो वे लोगों के घरों में ही सेंध मारने लगे। राजा को राजपाट चलाने में भारी दिक्कतें पेश आने लगी। उधर मोती के लालच में दूसरे देश के राजा भी सूरजगढ़ पर चढ़ाई करने की धमकी देने लगे। मोती राजा का सिरदर्द बन गया। लगभग एक महीने के बाद वही साधु फिर से राजा के पास आया। राजा ने साधु को देखते ही उनके पांव पकड़ लिए। साधु ने राजा की दयनीय हालत देखकर पूछा, क्या बात है राजन, आप इतने परेशान क्यों हैं। गुरुवर मेरी तो बुद्धि मारी गई थी कि मैंने आपसे मोती मांगा। कृपया मेरे हीरे मोती अपने साथ ले जाएं ताकि मैं चैन से राज कार्य कर सकूं। मुझे एहसास हो गया है कि व्यर्थ में धन का संग्रह कष्टकारक होता है, राजा विनती करते हुए बोला। साधु ने देखा कि राजा की आंखें खुल गई है। उसने सभी हीरे मोती नदी में बहा दिए। उस दिन से राजा प्रसन्नतापूर्वक राजकाज करने लगा। धन्यवाद।